दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेके चलने वाला हूँ शिवखोरी मंदिर। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि भैया खोरी शब्द का अर्थ होता है गुफा, जिससे आपको ये अंदाजा लग ही गया होगा कि भैया ये मंदिर शिव की गुफा को दर्शाता है। और जैसे कि आपने लास्ट के ब्लॉग में देखा, हम लोग आपको नौ देवी मंदिर लेकर आए थे कटरा से, और उसी ब्लॉग में हमने बस की बुकिंग वगैरह की सभी जानकारी दी है। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस ब्लॉग को देख सकते हैं। जब दोस्तों आप इस मंदिर के लिए जाएंगे तो रास्ते में आपको काफी शानदार नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। नौ देवी मंदिर के बाद बस एक जगह ढाबे पर भी रुकती है, जहाँ पर आप खाना वगैरह नाश्ता वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। यह मंदिर कटरा से 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, तो इस वजह से आपको काफी लंबा टाइम लग जाता है पहाड़ियों से घूमते हुए यहाँ पर पहुँचने में। मंदिर रियासी जिले में बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर एक बस स्टैंड देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर सभी बस आकर रुक जाती हैं। फिर वहाँ से आप चाहें तो वैन वगैरह कर सकते हैं, जिसका चार्ज 20 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से लगता है, जो कि आपको जहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी उससे कुछ दूर पहले ही छोड़ देगी। यानी कि बस से जहाँ पर आप उतरेंगे वहाँ से यात्रा शुरू करने वाले की जहाँ पर पर्ची मिलती है उस पॉइंट की दूरी करीब 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद जहाँ पर ये वैन या फिर जिस गाड़ी से आप आए हैं वो आपको छोड़ेगी, वहाँ से यहाँ का मार्केट शुरू हो जाता है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और दुकानें वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि सामने हमें नज़र आ रहा है ये शिव द्वार है, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर पर्ची कटवानी पड़ेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, यानी कि इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है, जिसके लिए हमें थोड़ा लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको पर्ची काउंटर देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं शिवखोड़ी मंदिर के लिए, उनको यहाँ से पर्ची कटवानी पड़ती है, जो कि श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद हम शिवम द्वार पर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर चेक पॉइंट बना हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ दुकानें वगैरह आपको मिल जाएंगे, और यहाँ से आप चाहें तो घोड़े वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैदल आप अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ से घोड़े खच्चर वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो शिवखोड़ी गुफा है उसकी कहानी मैं अभी आपको कुछ देर में बताऊंगा। उसकी दूरी यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर के आसपास है। रास्ता काफी अच्छा बना हुआ है, कोई सीढ़ी वगैरह नहीं है यहाँ पर, तो आप आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप घोड़े खच्चर से अपनी यात्रा करना चाहें तो करीब 350 रुपये एक साइड का यहाँ पर चार्ज लगता है ऊपर तक ले जाने का। लेकिन अगर आप घोड़े खच्चर से वापस भी आना चाहते हैं तो आपको ये सस्ते में छोड़ देंगे, यानी कि 200-250 रुपये में आपको नीचे तक वापस छोड़ देंगे। रास्ते में यहाँ पर भी आपको जगह जगह पर पानी पीने की व्यवस्था, बाथरूम वगैरह बने हुए मिल जाएंगे, जैसे कि जब आप वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं उसमें जगह जगह पर बने हुए हैं। बीच बीच में दोस्तों यहाँ के मैं मंदिर की खासियत वगैरह बताता जाता हूँ और कहानी वगैरह भी सुनाता जाता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। शिवखोड़ी गुफा दोस्तों एक प्राकृतिक गुफा है, जो कि लगभग 200 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है, और कम से कम 2 से 3 मीटर ऊंची भी है। इसमें एक स्वयं निर्मित शिवलिंग है, जो कि लोगों के अनुसार अनंत हैं। जो यहाँ पर दोस्तों मुख्य गुफा है, जो कि मैं अभी आपको कुछ देर में दिखाऊंगा, उसका प्रवेश द्वार इतना चौड़ा है कि उसमें 300 भक्त आराम से आ सकते हैं। लेकिन जब आप इस गुफा में बाहर से अंदर की तरफ जाते जाएंगे तो ये मार्ग छोटा छोटा होता चला जाएगा, और एक जगह पर जाकर ये मार्ग 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और इसके बारे में ये भी बोला जाता है दोस्तों, इनमें से एक मार्ग कश्मीर तक गया है, जो कि स्वामी अमरनाथ की गुफा में निकलता है। लेकिन अब ये मार्ग बंद हो गया है, क्योंकि कुछ साधुओं ने इस गुफा वाले मार्ग से अमरनाथ तक जाने की कोशिश की, लेकिन वे कभी नहीं लौटे। और दूसरा मार्ग गर्भगृह में निकलता है। जब आप इस गुफा वाले रास्ते से गर्भगृह तक जाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आपको कई जगहों पर रेंगना भी पड़ेगा, नीचे झुककर भी चलना पड़ेगा, और कई जगहों पर आपको अपने शरीर को किनारों की ओर संयोजित भी करना पड़ेगा, तब आप कहीं जाकर गर्भगृह में पहुंचेंगे, जहां पर एक 4 मीटर ऊंची शिव जी की प्राकृतिक रूप में बनी हुई छवि आपको दिखाई देगी। गुफा में आपको देवी पार्वती, गणेश के साथ कई और देवी देवताओं की छवि नजर आएंगी। गुफा की छत पर सर्पों की आकृतियां उकेरी गई हैं, शिवलिंग पर इसके माध्यम से पानी बहता है। और दोस्तों स्वामी अमरनाथ की गुफा की तरह यहाँ पर कबूतर भी देखे जाते हैं, जो कि तीर्थों के लिए शुभ संकेत प्रस्तुत करते हैं। रास्ते में दोस्तों यहाँ पर एक जगह एक छोटा सा मंदिर और मिलेगा आपको, जहाँ पर आपको भंडारा करने के लिए भी मिल सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ दोस्तों, और मुझे हर बार यहाँ पर भंडारा खाने को मिला है।
तो हम लोगों ने भी भंडारा खाने के बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू की। ऊपर पहुंचने के बाद भी आपको कुछ दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। और जैसे कि आपको सामने नज़र आ रही ऊपर की तरफ गुफा बनी हुई है जहाँ पर मोबाइल और कैमरा वगैरह अलाउ नहीं रहता है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें मोबाइल कैमरा वगैरह सब लॉकर रूम में रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर एक लॉकर रूम भी बना हुआ है। और जूते वगैरह सभी जूते स्टैंड में रखने पड़ेंगे। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सामने नीचे की तरफ लॉकर रूम वगैरह बना है। और इसके बाद हम लोग गुफा वाले रास्ते से अंदर चले गए। अब दोस्तों अंदर जाने का भी यहाँ पर एक टाइम रहता है, क्योंकि जिस समय यहाँ पर आरती होती है उस समय यहाँ पर गुफा बंद रहती है। तो सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक गुफा बंद रहती है और शाम को 6 से 8 बजे तक गुफा बंद रहती है। इस बीच में आप इस वाले रास्ते से नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए अगर आप इस टाइम पर आते हैं तो आपको ये लगेगा भैया मेरा टाइम 2 घंटे बर्बाद हो जाएगा या फिर 1 घंटे बर्बाद हो जाएगा, तो मैं क्या करूं। तो इसके लिए दोस्तों यहां पर एक दूसरा रास्ता भी बनाया गया है, जिसके लिए आपको इसी रास्ते के लेफ्ट साइड में एक और रास्ता नजर आ जाएगा, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। जो रास्ता आपको डायरेक्ट ही गर्भजून तक ले जाएगा। ये रास्ता दोस्तों अभी नया बनाया गया है आर्टिफिशियल तरीके से। जो पुराना वाला रास्ता है सामने की तरफ वो गुफा के थ्रू जाता है। दर्शन करने के बाद दोस्तों आप यहां पर कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। बैठने की अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन कोशिश ये करिएगा जल्दी जल्दी आप वापस से नीचे जाएं, क्योंकि बस स्टैंड तक वापस पहुँचने में आपको अंधेरा हो जाएगा। पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दोस्तों इस गुफा के बारे में ये वर्णन मिलता है कि इस गुफा को खोजने का श्रेय एक गडरिये को जाता है। यह गडरिया अपनी खोई हुई बकरी खोजते हुए इस गुफा तक पहुँच गया। जिज्ञासावश वह गुफा के अंदर चला गया और जहाँ पर उसने शिवलिंग को देखा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शंकर इस गुफा के अंदर योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया गुफा के अंदर अन्य देवी देवताओं की आकृतियां भी मौजूद हैं। इस गुफा के संबंध में अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं दोस्तों। इन कथाओं में भस्मासुर से संबंधित कथा सबसे अधिक प्रचलित है। भस्मासुर असुर जाति का था। उसने भगवान शंकर की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया था कि वह जिस व्यक्ति के सर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान प्राप्ति के बाद वह ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी उससे डरने लगे थे और देवता उसे मारने का उपाय ढूंढने लगे। इसी उपाय के अंतर्गत नारद मुनि ने उसे देवी पार्वती का अपहरण करने के लिए प्रेरित किया। नारद मुनि ने भस्मासुर से कहा कि वह तो अति बलवान है, इसलिए उसके पास तो पार्वती जैसी सुंदरी होनी चाहिए जो कि अति सुंदर है। भस्मासुर के मन में लालच आ गया। वह पार्वती को पाने की इच्छा से भगवान शंकर के पीछे भागा। शंकर जी ने उसे अपने पीछे आता देखा तो वह पार्वती और नंदी को साथ लेकर भागे और फिर शिवखोड़ी के पास आकर रुक गए। यहाँ भस्मासुर और भगवान शंकर के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। यहाँ युद्ध होने के कारण इस स्थान का नाम रनसू पड़ा। रन का मतलब होता है युद्ध और सू का मतलब होता है भूमि। इसी कारण इस स्थान को रनसू के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही मैंने अभी आपको बताया रनसू में शिवखोड़ी यात्रा का बस कैंप बना हुआ है, यानी कि बस स्टैंड बना हुआ है। अपने ही दिए हुए वरदान के कारण भोले बाबा उसे नहीं मार पाए और भगवान शंकर ने अपने से शिवखोड़ी का निर्माण किया। शंकर भगवान ने माता पार्वती के साथ गुफा में प्रवेश किया और योग साधना में बैठ गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने पार्वती का रूप धारण किया और भस्मासुर के साथ नृत्य करने लगे। नृत्य के दौरान उन्होंने अपने सर पर हाथ रखा, उसी प्रकार भस्मासुर ने भी अपने सर पर हाथ रखा, जिस कारण वह भस्म हो गया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने कामधेनु की मदद से गुफा के अंदर प्रवेश किया और सभी देवी देवताओं ने वहाँ भगवान शंकर की आराधना की। इसी समय भगवान शंकर ने कहा कि आज से यह स्थान शिवखोड़ी के नाम से जाना जाएगा। और अगर आप यहां पर जाकर नोटिस करेंगे दोस्तों तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि इस गुफा का आकार डपरों के तरीके का बना हुआ है, यानी कि दोनों तरफ से चौड़ी ये गुफा है
और बीच में जो गुफा का रास्ता है वो काफी सकरा होता चला जाता है। आप चाहें तो शिवखोड़ी महाशिवरात्रि के दिन भी आ सकते हैं, क्योंकि हर साल महाशिवरात्रि के दिन 3 दिन के लिए यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है। इसके बाद वापस से हमने नीचे आने के बाद कुछ नाश्ता पानी किया और इसके बाद हम लोग वापस से गाड़ी करके बस स्टैंड पहुंचे और रात को करीब 12 बजे के आसपास हम लोग अपने होटल पर वापस पहुंचे। अब दोस्तों हमारी कटरा की यात्रा तो संपन्न होती है और हमने आसपास की यहाँ पे काफी जगहों पर घूम लिया है, जैसे कि हमने हमारे लास्ट के कुछ ब्लॉगों में देखा है। अब नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं अमृतसर और वहाँ पर भी हम काफी सारी जगहों पर घूमेंगे, जैसे कि बाघा बॉर्डर, जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल और भी कई मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर, जो कि हम आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में दिखाएंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।